गौतम बुद्ध नगर में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इसी के तहत आज नोएडा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कृपा राम शर्मा ने नामांकन किया और जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध नगर में जितना विकास बसपा सुप्रीमो ने किया किसी ने नहीं किया। देखें क्या बोले कृपा राम शर्मा। अहम यह है कि लोग अपेक्षाएं कर रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी ने जो 2007 से लेकर 2012 तक माननीय विधायक जी के नेतृत्व में काम किया है, जिसमें विकास की गंगा नोएडा में बहाई गई थी, उन सभी सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। फिर भी मेरे मुद्दे हैं कि यहाँ फ्लैट बायर्स की 1 लाख से अधिक फ्लैट बायर्स हैं जिन पर दोहरी मार पड़ रही है। उन्होंने बैंक से लोन लिया, बैंक का इंटरेस्ट दे रहे हैं, मकान नहीं मिला किराया दे रहे हैं। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री कराना। दूसरा है यहाँ महिलाओं की सुरक्षा। यह मुक्त समाज, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित। और एक बहन जी ने यहाँ बड़ा तोहफा दिया था कि एक जो PGI हॉस्पिटल है उसके साथ सचल चिकित्सालय बनाए थे, उनके पुनः बहाली के लिए मेरी प्राथमिकता होगी। अभी हम एक त्रासदी से निकले हैं और नोएडा की एक बहुत ख़राब तस्वीर दुनिया के सामने गई थी। कोरोना काल में आपके याद होगा, एक महिला CMO साहब के पास गई और कहे CMO साहब, मेरे बेटे की जान को खतरा है, एक रेमडेसिविर भी मुहैया करा दीजिए। तो उन्होंने उनको धक्का दिया, बेहूदगी करी और कहा कि यहाँ कल दिखाई थी तो जेल भिजवा दूंगा। और दुर्भाग्य से उसके इकलौते बेटे की रात को लगभग 12:30 बजे डेथ हो गई। हमारी प्राथमिकता ये होगी कि बहन जी द्वारा जो प्रदत्त सुविधाएं स्वास्थ्य के संबंध क्षेत्र में वो पुनः बहाल हो, फिर ऐसा हादसा ना हो।